दुर्नीति मामले में 10 साल की सजा काट रहे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला आज सजा पूरी कर रिहा हो चुके हैं। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दोपहर बाद उनकी रिहाई हुई, जिसके बाद वो सीधा अपने निवास गुड़गांव पहुंचे, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि अम्बाला में भी जेजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाच कर व लड्डू बांट कर खुशी जाहिर की। अजय चौटाला की रिहाई के बाद जेजेपी नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। जेजेपी नेताओं का कहना है कि आज हमारे नेता युवाओं को रोजगार देने के चलते षड्यंत्र के तहत दिया गया वनवास काटकर दोबारा हमारे बीच पहुंचे हैं, जिनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश व ऊर्जा का संचार होगा। अजय चौटाला के मार्गदर्शन में जजपा नई ऊंचाइयों को छुएगी और सब मिलकर दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सजा पूरी हुई और मैं कहूँगा पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का दिन आज है। हमने लड्डू बांट के, ढोल बजा के, सभी ने भंगड़ा पा के इस खुशी को मनाने का काम किया। आज कहीं ना कहीं पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलने का काम, डॉक्टर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वो एक सामाजिक आदमी, उन्होंने समाज के लिए बहुत से काम किए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जो पूरे हरियाणा को मापते हुए उन्होंने पद यात्रा चलाने का काम किया और जिसने माहौल ही प्रदेश का बदल के रख दिया था वो कोई नहीं भूला। आज कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ज़रूर साजिशें रची, परिवार को तोड़ने का काम किया, नीचा दिखाने का काम किया, पर भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान ने सभी मुश्किलों से बाहर निकाल के माननीय दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो प्यार दिया वो आज आप सबके सामने है और इसमें कोई दो राय नहीं, आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला जी को इसी प्यार के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने का काम करे।